किशोर समृत्य के छोटे भाई का बड़ा बयान कि जो भी मेरे भाई किशोर समृत्य के ऊपर लगाए गए हैं वह एक षड्यंत्र है। किशोर समृत्य के वकील कुरेशी का भी बयान सामने आया है। ये जो मुकदमा है तो कैसा है, ये शराब माफिया और रेत माफिया के दबाव में प्रशासन ने बनाया है और पूरे षड्यंत्र के साथ में मुकदमा बनाया गया है। और इस मुकदमे में हमको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि प्रशासन तो हमें बिल्कुल सहकार्य नहीं करेगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि किशोर समृत्य जो पूर्व विधायक है उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे, क्योंकि वो उनके जितने भी चरित्र था, जो भी वो लोग अभी तक के कर रहे थे अवैध कारोबार, उसको पूरा उजागर करने का काम मेरे बड़े भाई साहब ने किया। इसलिए यहाँ का कलेक्टर SP सब उनको षड्यंत्र के तौर पे फंसा करके जेल भिजवाना चाहते थे और वो अपनी साजिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। हमें न्यायालय पे विश्वास है, हम न्यायालय में जाकर के मांग करेंगे। और ये जो शराब माफिया और रेत माफिया के कहने पर जो प्रशासन चल रहा है, इनको आज नहीं कल इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे। इसके लिए उनको भी तैयारी करके रहना है कि उनकी लड़ाई अब किशोर समृत्य के साथ में फेस टू फेस होने वाली है, तो ये लड़ाई के लिए वो भी तैयार रहे। हम तो अपना तैयारी कर चुके हैं, बाकी की तैयारी अब उनको करना है। भैया, जो आरोप लगाए गए थे समृत्य जी की तरफ से, जो समाज सेवी हैं और जो दूसरे लोगों पर है, कि 2 लाख गाय कटवा दिए, जाँच में ऐसे सारे आरोप जो निराधार पाए गए हैं और उनके द्वारा पूर्व में जो 2 पुलिस का के जो कर्मचारी उनके हत्या के भी आरोप लगाए गए थे, उसमें भी जांच में ये पाया कि वो भी निराधार है। कांस्टेबल गायब हुआ तो अभी तक पुलिस ने अपने कांस्टेबल की जांच क्यों नहीं करवाई मौत की? जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस समय तक तो राजेश पाठक जी यहाँ आए भी नहीं। राजेश पाठक का उस टाइम ठेका शुरू हो चुका था बांदा कंपनी के साथ में, गलत बोल रहे हो आप। 2 लाख गायों को कटाने का आरोप टोटल निराधार है। बाजार ठेकेदारों को पैसा फाइनेंस करने का काम राजेश पाठक फाइनेंस करना, लेकिन गायों को कटाना दोनों अलग अलग मैटर है। ये कही है ना, पैसा देकर के गाय खरीदवाना और कटवाना, तो फर्क क्या है? उसमें कोई भैया, ये पूरी प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर क्या बोलेंगे आप? और ये प्रशासनिक पूर्ण सुनियोजित षड्यंत्र है ये किशोर समृद्धि को फंसाने का, बस बाकी कुछ नहीं। अभी जमानत के लिए कुछ न्यायालय के ऊपर विश्वास है, न्यायालय हमको देगा न्याय। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है। कुरेशी साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं किशोर समृद्धि जी की ओर से अधिवक्ता हूँ। इनको जब गिरफ्तार किया गया तो किशोर समृद्धि जी के घर में उनके माता जी को धारा 386 धारा 379 का गिरफ्तारी का सूचना का पत्र मिला। उसके बाद लेकिन जब कोर्ट लाया गया तो राजेश पाठक शराब ठेकेदार बालाघाट को खा गया पूरा, अभी मैग्नीज चुरा रहा है और रेत को 40 करोड़ को 400 करोड़ बना दिया उसने। ये करवा लिया अपने पैसों के दम पे कि घर में घुस के मेरे से फिरौती मांगा 20,000 है उसकी। भैया पेंशन ही 35,000 रुपये है, वो टुच्छे आदमी 20,000 रुपये बताइए, आप बता रहे हैं कि 20,000 रुपये मेरे से घर में घुस के मांगा, तो 452 न्यायालय ने ऐड कर दी उस पर 452, इस कारण से बेल नहीं हो पाई आज। लेकिन 2 दिन के अंदर बाहर लेके आएंगे और 2 दिन के बाद राजेश पाठक को बहुत भारी पड़ेगा। क्या लगता है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्य, पुलिस प्रशासन के कठपुतली है भैया? जब गिरफ्तार किए गए थे, जातिवाद भी है समझ लो आप, जब गिरफ्तार किया गया था तब कौन सी धारा लगी थी और अभी जिस धारा में गए हैं क्या? 386 यानी किसी को 10 साल से लेकर मृत्युदंड तक आजीवन कारावास की सजा में फंसाने की कोशिश करना या धमकी देना, 386 किसी से पैसे रंगदारी से मांगना। तो अब ये बोलते घर में घुस के मांगे, कहीं महीनों सालों से कोई टच नहीं इनका। इनने इसलिए करे हैं ये सब क्योंकि जो 40 करोड़ का ठेका हुआ था, लॉकडाउन के चलते में राजेश पाठक जी रेत नहीं निकाल पा रहे थे और उसके बाद में उनने अपने अलायंसेस से झगड़ा कर लिए और बाहर से अपने इलाहाबाद से लोगों को बुला के काम करवाए। तो किशोर समृद्धि जी ने इस चीज़ का प्रकाशन करवाया कि कलेक्टर साहब जो है पार्टनरशिप में है, ठीक है, और ये 40 करोड़ का 400 करोड़ की रेत निकाल रहे हैं, तो उससे शुभ होके प्रशासन भी खिलाफ था और उसके बाद में ये ज़बरदस्ती का राजेश पाठक के खिलाफ में समाचार लगाए, ये उसका है।
थैंक यू।